हमारे लड्डू बहुत ही लजीज, मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। बहुत ही लजीज, झटपट से बन जाने वाले, थोड़े से इंग्रेडिएंट से बन जाने वाले बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलीज़े अलवी व्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज हम मीठी डिश बना रहे हैं। मीठी क्या डिश बना रहे हैं कि आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू जल्दी बन जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ों से बन जाते हैं और बेहद टेस्टी होते हैं। इसके लिए जो हमने चीज़ें ले ली हैं उसमें है, ये 2 कप हमने ले लिया है बेसन, 1.5 कप हमने ले ली है चीनी। आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो बराबर का भी ले सकते हैं। इसके लिए ये 2 से 3 टेबल स्पून हमने कर लिए हैं क्रश बादाम, और गार्निश के लिए भी हमने काट लिए हैं। ये 1/2 टीस्पून हमने ले लिए हैं इलायची पाउडर। घी हमें बेसिकली तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, देखते हैं कितना जाता है। और 2 से 2 टेबल स्पून हमें चाहिए पानी का। चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये हमारी रेसिपी आज कैसे बनती है। बहुत ही लजीज बनते हैं। हम आ गए हैं जी अपने पैन की जानिब और हम डालेंगे इसमें घी। घी हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं और हमें चाहिए ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 2 कप हमारे पास बेसन है। सर्दी की वजह से ये घी हमारा जम गया हुआ है, इसको मेल्ट कर लेते हैं। ये आधा कप हमारा चला गया घी, इसमें अगर और जरूरत हुई तो और भी शामिल कर देंगे। आपको दिखाएंगे कि किस टाइम पे या कितना कम हो तो हमें इसमें और घी चाहिए होगा। हमारा घी मेल्ट हो गया, अब हम इसमें डालेंगे अपना बेसन। बेसन शुरू में तो ऐसे लगेगा कि इसमें घी बहुत कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बेसन घी छोड़ना शुरू कर देगा। आंच हमें तेज नहीं रखनी है, आंच हमें लो मीडियम पे रखनी है और मुसलसल इसको भूनते रहना है। और भूनते हुए हमें इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट मध्यम आंच पे, यानी लो मीडियम आंच पे हमने इसको भून लेना है। अभी हमें इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। एक चम्मच भर के हमने और डाल दिया है। इंशाल्लाह ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट पूरा होगा। थोड़ा भुनना शुरू हो जाता है तो दिखाते हैं आपको। बेसन हमारा भुन रहा है लेकिन अभी भुना नहीं है। हमने 2 टेबल स्पून इसमें घी के और शामिल किए हैं, आधा कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा हो इसमें घी शामिल किया है हमने, तो ये हमारी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। अभी इसको भून लेते हैं मज़ीद 7 से 8 मिनट। इसको बस हल्की आंच पे हमने भूनते रहना है, बस ये देखना है कि जले ना, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हल्की आंच पे इसको भूनते रहना। तेज़ आंच पे भूनेंगे वो जल जाएगा और खुशबू नहीं बनेगी इसकी, जैसे कि भुने हुए बेसन की होती है। और जले हुए बेसन से लड्डू मज़े के नहीं बनेंगे। इसको हल्की आंच पे भूनते रहते हैं मुसलसल, और मुसलसल 7-8 मिनट और भून लेते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको मुसलसल भूनते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आनी शुरू हो गई है। इस स्टेज पे हम इस तरह करेंगे, ये जो हमने पानी लिया है आंच मज़ीद स्लो कर देते हैं, और ये जो पानी लिया है हमने इसको हाथ में लेके इसमें थोड़ा सा इस तरह शामिल करते हैं। ये झाग इस तरह बननी चाहिए, ये बन जाएगी इससे हमारे लड्डुओं का टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। ये बन जाती है इसको, अब इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे ये हमारा बादाम जो हमने कूट के रखे हुए हैं वो भी शामिल कर देते हैं, और इसके साथ ये इलायची पाउडर शामिल करेंगे और आंच बंद कर देंगे। हमारे ये बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब हम इसको किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं या इसी बर्तन में
ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि लड्डू चीनी हमने इसमें इस स्टेज पे अभी शामिल नहीं करनी है। चीनी हम शामिल करेंगे इसके थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा जब ये, तब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, वरना वो चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसको डालते हैं किसी और चीज़ में, इसको बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जिसमें पकाया है ये बर्तन ठंडा होने में टाइम लेगा, तो इसको 5 से 7 मिनट वैसे ये दूसरे बर्तन में रख के इसको मिक्स करते रहते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ये बहुत गर्म है, इसको ठंडा कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। इसको हमने हिला हिला के ठंडा कर लिया है और ये इतना ठंडा हो जाएगा कि हमें ये हाथ लगाने से उस तरह गर्म फील नहीं होगा जितना ये गर्म होता है। तो अब हम इसमें ये चीनी शामिल करके तो इसको मिक्स कर लेंगे। ये चीनी हमने पाउडर चीनी ली है, दूसरी चीनी नहीं है। इसको थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते हैं। ये हाथों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्सअप होगी। इसको मिक्स कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। हमारी चीनी सारी इसमें मिक्सअप हो गई है। अब हम इसके बना लेते हैं लड्डू। अगर आपको ये बैटर थोड़ा सा ढीला सा फील हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं। अगर लड्डू नहीं बन रहे सही, इसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, वरना तो ये बड़े ज़बरदस्त से लड्डू बन जाते हैं। इस तरह हम लड्डू बना लेते हैं और इनके ऊपर गार्निश करने के लिए हमने ये बादाम काट के रखे हैं, तो ये बादाम लगाते जाते हैं। इसी तरह हम गोल गोल करके अपनी मर्जी के छोटे बड़े दरमियाने साइज़ के सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।